पौधों की हिफाजत के लिए और सब्जियों के पौधों की और दूसरे पौधों की हिफाजत के लिए डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई और बहुत सारी इस वीडियो के अंदर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है ताकि आप अपने पौधों की कैसे हिफाजत कर सकते हैं, कीड़ों से कैसे बचा सकते हैं, कौन से कीड़े फ़ायदेमंद हैं। ये वीडियो किसान भाइयों के लिए भी है और जो घर के अंदर गार्डनिंग करते हैं, अगर आप ये सारी वीडियो वॉच कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आपके पास काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, नॉलेज आ जाएगा, आप ईजीली अपने गार्डन को हरा भरा कर सकेंगे। इस वीडियो को बनाने में मेरी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मसूद अहमद है, मैं डिप्टी डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग डिवीज़न सरगोधा में तैनात हूँ। हमारा डिपार्टमेंट जो है ये एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है लेकिन इसकी एक विंग है प्लांट प्रोटेक्शन या पेस्ट वार्निंग। तो पेस्ट वार्निंग की जो काम है या एक्टिविटी हम करते हैं उसके दो हिस्से हैं, एक उसमें है पेस्ट कोटिंग। पेस्ट कोटिंग का मतलब ये है कि फसलात के बारे में ये देखना कि कौन से कीड़े किस हद तक मौजूद हैं और ज़िम्मेदार को गाइड करना, इसके हवाले से ये है। ये कुछ चीज़ें हमने लगाई हैं जो सिम्टम्स हैं, अलामत हैं कि ये फसलात पर किस तरह आप इसकी जो है ना डायग्नोज कर सकते हैं कि ये सिम्टम ये है, ये सिस्टम से ये है। इसमें कुछ चीज़ें ये देख रहे हैं, बरसीम का जड़ का गलाव, इसका मतलब ये था ज़िम्मेदार इससे बोलता है गाला, गाले का मतलब वहाँ से गल जाती है और एक फफूंदी की वजह से यह है ना चीज़ बनती है। ये है सिट्रस स्कैब, सिट्रस स्कैब क्या, ये तरशावा फल है, इसमें इस तरह की निशानियाँ जो बनना शुरू हो, खुरदरापन इसको बोलते हैं ये। फिर ये आलू का पछेता और जलछाव है, इसी तरह की एक फफूंदी की है सतोवे सरसों का तेला है ये, इसमें ये तेला जो है ये इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे यही चीज़ बेहतर है कि जो फसलात में है तेले के लिए स्प्रे ना किया जाए। और ज़िम्मेदार को हम ये गाइड करते हैं कि कम अज़ कम ऐसी जो है जहरें इस्तेमाल ना करें जिनके असरात भी रहते हों जो कि बाद में हमारी जो सेहत है उसके लिए नुकसानदेह हो, और इस तरह की चीज़ें साथ साथ ये भी बताएं कि इनको कंट्रोल कैसे करना है। हाँ वो बताते हैं, बताते हैं इसके लिए ये जो बीमारियाँ हैं इसमें ज़्यादातर ये होता है कि फंगस का अटैक होता है। फंगस के अटैक के लिए इसको फफूंदी कुछ अद्वियात जो हैं जिसे हम फंजीसाइड बोलते हैं उनका स्प्रे किया जाता है, जैसे थायोफ्रेट मिथाइल वगैरह हैं। इस तरह की ये है कि ये वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, ये इसमें जो है सफ़ेद रंग की फफूंदी बन जाती है, इसको भी कंट्रोल करने के लिए जो है वो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो फंजीसाइड इस्तेमाल करते हैं। और उनमें से आम कॉमन इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ है वो है थायोफ्रेट मिथाइल। इसके बाद ये एक बहुत अहम चीज़ है, जब स्प्रे करें ज़िम्मेदार उनके लिए हदायत ये है कम अज़ कम ये डिजीज़ के लिए, बीमारियों के कंट्रोल के लिए, कि एक जब आपने स्प्रे करना है तो ये अंदाज़ा लगाना है कि किस कितनी देर के बाद हम जो है को कटाई करेंगे। कटाई से पहले वहाँ लिखा होता है कि इतने दिन पहले कटाई से जो है वो स्प्रे करना है, उसको हम PHI बोलते हैं, उसको मद्देनज़र रख के जो है ना स्प्रे किया जाए ताकि उसके असरात जो हैं वो फसलात में मौजूद ना रहें। और इस तरह हमारी जो चीज़ें हैं जो बाहर के मुल्क में जाती हैं उनकी एक्सपोर्ट जो है वो कम हो सकती है और वो जो कंसाइनमेंट वापस आ जाती हैं। एक बहुत बड़ा कंपोनेंट हमारा ये है कि हम जो है ना IPM, इसका मरबूत तरीका इंसदाद, इसका मकसद ये है कि हमने कम अज़ कम केमिकल इस्तेमाल करना है, लेकिन हमारे लोग जो हैं अंधाधुंध स्प्रे करते हैं। अंधाधुंध स्प्रे की वजह से ये होता है कि चीज़ों में रेजिस्टेंस, कुव्वत मुदाफ़त आती है उन कीड़ों में और वो उस दवाई के साथ जो है उनका कंट्रोल नहीं होता। तो ये बड़ा बहुत बड़ा कंपोनेंट है, इसमें कुछ तरह के हम ट्रैप लगाते हैं जैसे फंदे बोलते हैं, ये गुलाबी सुंडी के लिए फंदा है, फिर ये मैंने आपको पहले बता दिया ये डेल्टा ट्रैप है, इसके से एक भी हम कंट्रोल करते हैं। फिर ये है फ्रूट फ्लाई के लिए एक ट्रैप इस्तेमाल होता है सफ़ेद मक्खी के लिए, इसके लिए हम मिथाइल यूजिनॉल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मिथाइल यूजिनॉल का काम ये है कि वो मेल को अट्रैक्ट करता है, इसकी वजह से जो है मलाप मेल और फीमेल का जो है उसको हमने ख़त्म करना है ताकि नेक्स्ट जो उसकी पॉपुलेशन आबादी है वो ना बढ़ सके। और ये जो इंसदाद मरबूत तरीका इंसदाद है उसका एक अहम फैक्टर ये चीज़ें हैं। इसके बाद ये हमारा कुछ लिटरेचर है जो हम ज़िम्मेदार की जो है ना उसकी रहनुमाई के लिए तैयार करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, तो लिहाजा ये जो लिटरेचर हैं ज़िम्मेदारों को चाहिए कि ये लिटरेचर जो है इनको इस्तेमाल करते हुए पढ़ते हुए दवाइयों का इस्तेमाल करें। वो कहाँ से हासिल कर सकते हैं? ये हमारा डिपार्टमेंट जो है प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, इसका हेड ऑफिस लाहौर में है, हर डिस्ट्रिक्ट में असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का असिस्टेंट डायरेक्टर बैठता है, तो ये चीज़ें उसमें वहाँ से आपको जो है ना मिल सकती हैं।
ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं पहले आपको बता रहा था कि ये कुछ कीड़े हैं जिनको हम कहते हैं कि जिंदा चीज़ के साथ जो है ना वो कंट्रोल करना, और इसके लिए ये होता है कि जो केमिकल कंट्रोल है उसको कम किया जाए ताकि जहरों की वजह से हमारे जिस्म में जो चीज़ें आ रही हैं कैंसर वगैरह ये कम किया जा सके। ये कुछ चीज़ें हैं ये हमने पकड़ी हुई हैं, इनमें बटरफ्लाइज हैं और कीड़े हैं और इनके जो इमेच्योर स्टेजेस जो लार्वा वगैरह हैं वो भी इसमें मौजूद हैं, जिसकी वजह से इनकी आइडेंटिफिकेशन करके तो हम करते हैं। फ़ायदेमंद आगे आएंगे आपको बताता हूँ। इसके अलावा कुछ और जो नुकसानदेह कीड़े हैं ये हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो इनकी आपको जो है ना वो अडल्ट को देख के कुछ ना कुछ आपकी इसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, शिनाख्त कर सकते हैं ये किस चीज़ की है। और सबसे अहम चीज़ जो है वो हम ये बनाते हैं कि कम अज़ कम जो केमिकल कंट्रोल है उसको कम से कम इस्तेमाल किया जाए, और उस पर ज़्यादातर जो है हम इन कोशिश ये करते हैं या ज़िम्मेदार को ये गाइड करते हैं कि जो आपके मुफीद कीड़े हैं, जैसे यहाँ पे हमारा एक डब्बा लगा हुआ है, उस चीज़ों को आपको पता चल सकेगा कि ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ज़िंदा चीज़ों को कंट्रोल के लिए जो है ना ये मौजूद हैं। हम उनको जो है स्प्रे करते हैं, जब स्प्रे करते हैं तो ज़िंदा जो ये जो मुफीद कीड़े हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है। लिहाजा कोशिश करें कि इनकी पॉपुलेशन जो है उनको बढ़ाया जाए ताकि हमारा केमिकल कंट्रोल जो है वो कम से कम हो सके, और जो जहरों में ये कैंसर वगैरह के असरात आते हैं ये कम हो सके। ये हमारा एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको हम लाइट ट्रैप बोलते हैं या रोशनी का फंदा बोलते हैं। ये रात को जो है वो लगाया जाता है, इसका जो बल्ब है वो भी ऑन किया जाता है, हमें पता चल सकता है कि एक रात में यहाँ पे कौन सा कीड़ा कितनी तादाद में आया है, और प्रेडिक्शन कर सकते हैं हम कि नेक्स्ट जो है वो क्या हो सकेगा इन कीड़ों के बारे में। और इसके बाद ये देखें, ये धान का पौधा है, इसको कांगी आ रही है, ये बीमारी है। इसके बाद ये आप बात कर रहे थे कि जनाब मुफीद कीड़े, इसमें क्या होता है कि ये जो है तेला है इसमें, इसको तेले को कंट्रोल करने के लिए एक भूडी है जिसका नाम है कॉक्सिनेलर्स, हम उसे बोलते हैं लेडी बर्ड बीटल, वो इनको खा जाती हैं। आप देख सकेंगे इसमें मौजूद होंगे जो है ना वो तेले जो है ना ये ब्लैक और सबज कलर के, ठीक है जी। और सबसे ये है कि एक बहुत बड़ी बहुत कैंकर की कोड की एक बीमारी जो है ये जो तरछावा फल है हमारे इन पे आती है, और यहाँ तक कि ये फल पर भी मुश्तमिल हो जा उस पर चली जाती है। लिहाजा ये चीज़ें जो हैं ज़िम्मेदार की जो है ना उसके लिए कि उनको गाइड किया जाए कि स्प्रे कम अज़ कम कम किया जाए। और हमारा इसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है आप ये चीज़ें हैं, ये कुछ मशीनरी है, हम ज़िम्मेदार को ये गाइड करते हैं कि अच्छी नोज़ल जो है वो इस्तेमाल की जाए। ज़िम्मेदार अपनी मर्ज़ी से नोज़ल इस्तेमाल करता है, और नोज़ल का फैक्टर ये है कि अगर आप उसको अच्छी नोज़ल को इस्तेमाल करेंगे तो जड़ी बूटियाँ अच्छे तरीके से इस्तेमाल होंगी। वो एक तरह की नोज़ल इस्तेमाल करता है होलिकोन, जो सीधी जाती है, लेकिन कीड़ों के लिए अलग है, जड़ी बूटियों के लिए अलग है। जड़ी बूटियों के लिए जो इस्तेमाल की जाती है उसको हम जो है ना टी जेट नोज़ल कहते हैं, ज़िम्मेदार उसको कट वाली नोज़ल बोलता है, वो नीचे रहती है। ये ज़िम्मेदारों की जो है ना रहनुमाई के लिए चीज़ें हैं। हमारा एक बहुत बड़ा फैक्टर, आप आएँ हम आपको बताते हैं कि ये हमारे जो डायरेक्टोरेट पेस्ट वार्निंग है, इसकी एक बहुत बड़ी एक्टिविटी मैंने आपको बताया है कि ज़िम्मेदार को कोशिश करनी है कि अच्छे से अच्छी जो है ना ज़रिए दवाई दी जा सके। उसके लिए हमारे पेस्टिसाइड इंस्पेक्टर हैं पूरे पंजाब में, जो मुख्तलिफ जगह से जो है ना वो पेस्टिसाइड सैंपल्स लेते हैं। सैंपल लेने के बाद उनको लेबॉर्ट्री में जो है वो सेंड किया जाता है, लेबॉर्ट्री जो रिज़ल्ट देती है उसकी बेस पर हम लोग जो है ना उसके खिलाफ़ FIR करवाते हैं। ये 2017 तक आप ज़रा गौर कर सकते हैं कि 2017 तक इसमें दो डिपार्टमेंट शामिल थे, एक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और एक एग्रीकल्चर पेस्ट वार्निंग। तो इसके बाद 2018 को ये सारा काम जो है गवर्नमेंट ने पेस्ट वार्निंग विंग के ज़िम्मे कर दिया गया, और हमारी कारकर्दगी आप देख सकते हैं 2018 से लेके 2021 तक ये हमारे जो छापा जात हैं उनकी तादाद है, ये ज़बत शुदा जहरों की मालियत है। ये देखें ज़रा गौर करें, 15, 14, 14, 14 और ये 67 यहाँ तक, और 42 करोड़ जो है जो बनती है वो 2018 से यहाँ तक बनती है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है ज़िम्मेदार के गाइडेंस के लिए। अगर ज़िम्मेदार को कोई शिकायत है
तो हमारी गवर्नमेंट ने एक नंबर रखा हुआ है जरी टास्क फोर्स के हवाले से, उस पर आप जो है ना वो भेज सकते हैं अपनी शिकायत, और जो ही आप शिकायत करेंगे तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ना वो उसका रिजल्ट मिलेगा कि महकमे ने कौन सी कार्रवाई की है। अच्छा, मैं यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ कि जिम्मेदार कैसे पता चलेगा कि ये वाली जो स्प्रे बोतल है असल है या नकल है? हाँ, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन ये है क्योंकि उस सबसे बेहतर बोतल से बहुत कम पता चलता है, उसको रिजल्ट से पता चलता है। लेकिन हम अगर यही कहें कि इसमें कंपनी या जरिए दवाई जो है उसका कसूर है, तो जिम्मेदार कम से कम बात का ऐसे होता है कि फ़र्ज़ करें हम ये कहते हैं 120 से लेके 140 लीटर पानी इस्तेमाल करें, लेकिन जिम्मेदार अगर जो है वो कम पानी इस्तेमाल करता है तो उसकी फसल पे बुरे असरात तो पड़ेंगे। जब कोई दवाई लेने जाए कोई जिम्मेदार, तो उसको ये गाइडेंस है हमारी, ये हमारी रहनुमाई है कि वो जहाँ से दवाई ले वहाँ से उनकी रसीद भी ले कि ये हमने ये दवाई ली है, इस काम के लिए दवाई मांगी थी, ये दवाई उन्होंने हमें दी है, तो मैंने ये स्प्रे किया। अगर उसके रिजल्ट गलत हैं तो वो डिपार्टमेंट को उस रसीद के साथ एप्लीकेशन के साथ फॉरवर्ड कर सकता है, महकमा 24 घंटे के अंदर अंदर उस पर जो है ना वो काम करेगा अपना। तो बात यह है कि इस तरह की जो नुमाइश है ये चलनी चाहिए ताकि जिम्मेदारों को ये पता चले कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे हक में हैं, जो डिपार्टमेंट कर रहा है वो नहीं कर रहा। बल गवर्नमेंट ने ये अच्छा, बहुत अच्छा कदम किया है, चंद दिन पहले सरगोधे में हुई है, अब यहाँ हुई है, इसके बाद ये तो यहाँ पे वाली जो है वो 20 साल के बाद हुई है, तो कम से कम जो है ना ये ज़रा जल्दी में मुरक्कत करनी चाहिए ताकि लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।